हेलो दोस्तों, तो जैसे कि सूरत एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, लेकिन सूरत में 95% ट्रेडर हैं और केवल मात्र 5% ही असली मैन्युफैक्चरर हैं। तो कैसे पता करें कि असली मैन्युफैक्चरर कौन है? तो उनकी एक ही पहचान है कि उनके पास क्वांटिटी भरपूर होती है, और अगर आप एक डिजाइन की साड़ी अभी खरीदते हैं और 6 महीने बाद या साल भर बाद भी उसी डिजाइन की साड़ी आप उनसे मांगेंगे तो आपको मुहैया करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यही पहचान है एक मैन्युफैक्चरर का। इसके अलावा अगर आप खुद के डिजाइन लाते हैं तो भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आया हूँ जो कि है पर्निका इंडिया। पूरे 7 माले की 1000 गज की फैक्ट्री है, जहाँ पर केवल डील होती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, चाहे बात की साड़ी की, लहंगे की या फिर गाउन की। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं साड़ी, तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सैंपलिंग एरिया में। जैसे कि देख रहे हैं, चारों तरफ केवल आपको सिल्क की और बनारसी साड़ी ही मिलने वाली है। ये सैंपलिंग एरिया है, हमने गोडाउन देख लिया है। हमारे साथ मैम है। हेलो मैम। हेलो। तो सबसे पहले, जैसे कि फेस्टिवल वगैरह खत्म हो गए हैं, लेकिन लगन की बहुत तगड़ी शुरुआत है और हम सूरत मार्केट में दिख भी रहा है, उस हिसाब से शॉपिंग भी हो रही है, तो उस हिसाब से आपकी क्या तैयारी है? सर, तैयारी ये है, बिंग मैन्युफैक्चरर हम कई टाइम पहले कपड़ा बनाना चालू कर देते हैं जी। अब ये पीक टाइमिंग है आपका परचेसिंग करने का। सो अगर आपकी आप अपने एरिया में बेचना चाहते हैं, आप एक अच्छा रेप्यूटेड शॉप है शुरू करना चाहते हैं, तो राइट टाइमिंग है आप सभी के लिए परचेसिंग। बिल्कुल। और आज सबसे ज्यादा सर क्वांटिटी में एक चीज बिकती है, सिल्क की साड़ियाँ। बिल्कुल। और मोस्ट ट्रेंडिंग आइटम है ऑर्गेंजा सिल्क। सो आज मैं दोनों कैटेगरी की चीजें आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल। जैसे कि दोस्तों, वैरायटी तो बहुत सारी है, लेकिन फोकस करेंगे साड़ी जो है, शादी के हिसाब से ही प्रोडक्ट दिखाए जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है। यस सर। सबसे पहले जो आइटम हम यहाँ पर देखेंगे ये है सर, ध्यान से अगर आप देखेंगे इसमें 3 टाइप की जरी का इस्तेमाल है। गोल्डन दिख रहा है, गोल्डन कॉपर भी दिख रहा है, कॉपर और हल्का सा जो चूहा जरी आता है ना, ये देखिए ये कॉपर जरी है, लेकिन ये जो जरी आप देखेंगे ना, जो अलग शेड है जी मैम, ब्राउन कॉफी रंग जैसा, वो चूहा जरी के नाम से पहचाना जाता है। सो 3 जरियों का टोटल इसके अंदर इस्तेमाल है। लुक देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 1000 बूटा बनारसी साड़ी। अब सर, बनारसी साउथ इंडिया में लेकर जाइए या नॉर्थ इंडिया में लेकर जाइए, बनारसी साड़ी बहुत चलती है। एंड यू वोंट बिलीव, कुछ दिनों पहले मेरी एक कॉमन फ्रेंड थी, जस्ट पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी शादी थी, शी वॉज फ्रॉम कोलकाता। तो कोलकाता में उसने साड़ी ली, बनारसी साड़ी रेड कलर की, 35,000 में। 35,000 में। सो मैंने पूछा ठीक है, मैं गई शादी में, मैंने कपड़े को जब चेक किया ना, वो सूरत का माल था। और उसको ये बोल के बेचा गया था कि मैडम हैंडमेड है, हैंड वो मेड मशीन मेड थी। सो और वो साड़ी यहाँ लोगों को पता भी नहीं चलता। हाँ, वो साड़ी यहाँ पर एक्चुअली में पता है कितने, 2200 ज्यादा में, 2200 में ज्यादा से ज्यादा मिली होगी, बेची कितने में सामने वाले, 35,000 ये बोल के कि हैंडमेड है। एंड हैंडमेड साड़ी और ये साड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो बस मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर फ्लो ज़्यादा है, बिल्कुल ये चीज़ें सर धूम में बिकती है। यही साड़ी को सर, अगर मैं नाम लेती हूँ कोलकाता के बड़ा बाजार में, इस साड़ी को अगर मैं लेकर जाऊँ और अच्छे से बॉक्स पैक में रख के इस साड़ी को अगर मैं बोलूँ कि ये हैंडमेड प्योर बनारसी साड़ी है, जो एक्चुअली है लेकिन मशीन मेड है जी मैम, राइट। सो उसका इंस्टेंट ड्रास्टिकल 10 गुना रेट बढ़ जाता है, हैंडमेड बोलते हैं। 20 गुना बोलिए, हैंडमेड बोल दी सर, कहाँ 2200 और कहाँ 35,000। 35,000 रुपए, राइट। बिल्कुल मैम। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने उसके उससे कहा कि सुन, मेरी फ्रेंड को कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ी है ये, नहीं, शी वॉज लाइक नहीं, वो मानेगी नहीं, वो नहीं माने, क्योंकि हम यहाँ पर कपड़े को छूते हैं, हम रोज कपड़े में रहते हैं, हम 24 घंटे में से 16 घंटे कपड़े में बिताते हैं, जो हमारा काम है, लाइक फैब्रिक को टच करना, जानना पहचानना कौन सा हैंडमेड है, कौन सा मशीन मेड है, कौन सा धागा है। सो हम इस चीज़ में हमें नॉलेज है अच्छी, बट सिर्फ दुकानदार ने बोला है कि मैडम हैंडमेड है और कस्टमर ने ले लिया इतने बड़े अमाउंट में, तो सोचिए ये तो जस्ट एक बात हुई, ऐसे कितने हजारों शॉप से कितने लोग हैं जो इस चीज को, इस बिजनेस के जरिए काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। सो आप भी कमा सकते हैं, बस बात करने के तरीके के ऊपर होता है, सेलिंग आनी लोकेशन चाहिए के, हाँ जितना अच्छे वो होता है ना, अच्छा सेल्समैन गंजे को भी कंघी बेच दे, बस आप कितने अच्छे सेल्समैन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कपड़ा खुद बोलता है सर। आप लाइव इस कपड़े को, ऐसा नहीं कि कपड़े की क्वालिटी नहीं है, देखिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आप दावे के साथ कस्टमर को कहिए कि सर ये बेस्ट क्वालिटी है, एंड जो डिज़ाइन आपके पास होगी, जैसे सर हम लिमिटेड बनाते हैं, ये साड़ी के 100 पीसेस ही है हमारे पास, ये कलर ये डिज़ाइन के 100 पीसेस हमने बनाए हैं,
आप सोचिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, तो कितने चांसेस है आपके बगल वाले या आपके एरिया की दुकान में ये कपड़ा रहे, ना के बराबर, राइट राइट। प्लस ये साड़ियां आउट ऑफ कंट्री भी हम देते हैं, तो आपके लिए फायदेमंद है। सबसे यूनिक हटके रेयर चीजें रखिए, और हम बोलते हैं अगर महंगी साड़ी लेते हैं ना तो उसमें मार्जिन आप जितना मर्जी लगा दे। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये साड़ी 3,000 की लेते हैं तो 3,000 की साड़ी घटिया साड़ी तो होगी नहीं मैम, बढ़िया ही होगी। देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। अब सूरत में सर 35 की साड़ी भी बिक रही है, आप पूरा मार्केट घूमते हैं, आपने देखा होगा 35 की साड़ी, 50 की साड़ी, 100 रुपए की साड़ी, क्या फर्क होता है? क्वालिटी होता ही नहीं है कुछ। 100 रुपए के अंदर की साड़ियाँ होती है यूज की हुई। कई बार आपने देखा है कि छत पे या बाहर कपड़े सूख रहे हैं, साड़ियाँ गायब हो जाती है, तो वो साड़ी होती है, सूरत में आ जाती है। प्लस हमारे घर में मम्मी सूरत में ऐसा होता है, गुजरात में ऐसा होता है कि जो मम्मियों की यूज की हुई साड़ियाँ होती है ना, वो साड़ियों को रैंडम लोग आते हैं, बर्तन लेते हैं, तो मम्मी पुरानी साड़ियाँ दे देती है, उसके बदले में बर्तन ले लेते हैं, तो वो साड़ियाँ कहाँ जाती है, वो धुल के वापस बिकने ही ले आ जाती है, वो उसको खुबली का माल कहा जाता है, खुबली का माल। सो कृपया करके ऐसे कपड़े से सावधान रहे, दूर रहिए, कस्टमर को तोड़ता है वो कपड़ा, बिल्कुल जी हाँ, कस्टमर को रिपीट अपने पास नहीं आने देता। तो जब आप कपड़ा बेच रहे हैं तो अच्छा बेचिए, और पन्नी का इंडिया आपको वही चीजें प्रोवाइड करता है जो आपको आपके कस्टमर को बांध सके। अब ये साड़ी सर, ये इसके बारे में थोड़ी मैं इन डेप्थ जानना चाहती हूँ। जी मैम, ये जो इसकी बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर है पैठणी की, पैठणी बॉर्डर महाराष्ट्र की फेमस साड़ी है, ट्रेडिशनल साड़ी है पैठणी, ये और ये नीचे वाली बॉर्डर, ठीक है, ये पैठणी की है, और ये बॉडी है बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी की बूटी वाली, ये से बनारसी साड़ी की बॉर्डर। सो हमने क्या किया, दो ट्रेडिशनल साड़ियों को फ्यूजन किया, हमारे पास प्योर पैठणी भी है, हमारे पास प्योर बनारसी भी है, हमने दोनों का फ्यूजन करके स्पेशल थर्ड टाइप की साड़ी बना दी, थर्ड टाइप की साड़ी बना दी। सेम यहाँ पर भी देखिए, 1000 बूटा कॉन्सेप्ट के अंदर है, ये देखिए, ये जरी के अंदर आप एक अलग सी चमक देख रहे हैं, धागे के एक फैब्रिक के अंदर एक अलग सी चमक है। कई बार क्या होता है दोस्तों, भगवान ने सबसे खूबसूरत कैमरा ही हमारी आंखें बनाई हुई है, तो कई बार एज इट इज चीज कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होती है जैसे वो चीजें होती है। जैसे मेरा चेहरा आपको थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा होगा, बट नहीं, मुझे यहाँ पिंपल है, यहाँ डार्क सर्कल्स है, आजकल फिल्टर इतने सारे आ गए, इतने सारे कि वो नहीं दिखता। सेम कपड़े में भी होता है, अगर ये रानी कलर है तो आपको थोड़ा लाइट पिंक दिखेगा, या लाइट पिंक है तो वो ज्यादा डार्क, हल्का इसमें गाजरी दिख रहा है, ये आपको गाजरी नजर आ रहा है, लेकिन ये हॉट पिंक, हॉट पिंक है, ये अपनी आंखों से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, हॉट पिंक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा नजर आएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको करना यह है कि आपको सूरत आना है, फोटो मंगाइए, फोटो में आ जाता है, हाँ, फोटो में सेम टू सेम आ जाता है, हाँ। तो फोटोज मंगवाइए, बाकी लाइटिंग वगैरह का भी फर्क पड़ता है बहुत सारा, यस। अब ये देखिए, एक है रनिंग, ये देखिए, एक है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट ये और ये, इसको काट पदर भी कहा जाता है सर। काट मीन्स क्या होता है, काट मीन्स बॉर्डर, बॉर्डर पदर मीन्स पल्लू, ये पल्लू हो गया, पल्लू मीन्स और ये बॉर्डर, हाँ, तो ये काट और पदर का सेम, काट और पदर का सेम हो गया डिजाइन, कलर एंड डिजाइन, एंड मिडल बॉडी का कॉन्ट्रास्ट, इसको कहते हैं काट पदर की, काट पदर की, दिस इज अ काट पदर साड़ी। तो कितने को नॉलेज भी नहीं होता, फिर भेज देंगे कि बनारसी है ले जाइए, हाँ। सो आपको देखिए सर, जिनको आप बेच रहे होते हैं ना, कई बार उनको भी नहीं होता, बिल्कुल राइट। जैसे आप हमसे कपड़ा लेकर जाते हैं तो हम आपको हर एक चीज़ समझाते हैं, तब जाके आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं, लेकिन कई बार कस्टमर से यूट्यूब के ऊपर, आप गूगल के ऊपर अभी सर्च कीजिए बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी के नाम पर आपको हर एक साड़ी, हर एक साड़ी दिख जाएगी, आपको कोरा भी दिख जाएगा, सिंथेटिक भी दिख जाएगा, हर एक टाइप की। सो वो क्या होता है ना, कस्टमर को खुद कई बार नहीं पता होता कि कौन सी साड़ी, यू हैव टू एक्सप्लेन समटाइम्स कि मैम ये बनारसी तो है, लेकिन बनारसी के साथ हमने यहाँ पैठणी की बॉर्डर, इस साड़ी के अंदर खासियत ये है कि दो टाइप के डिजाइन है ट्रेडिशनल, जैसे इसके अंदर हमने मीना बूटा ऐड, मीना बूटा ऐड किया, ये देखिए मीना बूटा ऐड किया है, अलग अलग कलर, हाँ, तो ये फ्यूजन होता है। अब इसी मीना बूटा कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको एक और डिजाइन दिखाऊँ, तो ये थोड़ा एश ग्रे कलर के अंदर, ये राख जैसा कलर होता है ना, ग्रे, ये राख वाला ग्रे कलर है, एश ग्रे कलर, एंड कॉन्ट्रास्ट कलर लिया है ये मैरून काइंड, नॉट बॉर्डर और पल्लू का, हाँ, बॉर्डर और काट और पदर मींस बॉर्डर और पल्लू का। अब इसी कैटेगरी में एक और चीज है, लेकिन इसके अंदर हमने बॉर्डर ली है छोटी, हाँ जी, बाकी उसे छोटी है, बाकी उसे छोटी, ये देखिए प्रीवियस लाइव देखिए ना, इसमें इसमें देखिए कितनी, ये देखिए इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है, इसमें बड़ी है, सो अब इसमें हमने ली है छोटी, छोटे बॉर्डर, हाँ। नेक्स्ट आइटम है रनिंग, अब तक हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं सर, अब रनिंग देखते हैं क्योंकि रनिंग बहुत चलती है। पर्णिका इंडिया हजारों साड़ियाँ बनाते हैं,
अपने गोडाउन में देखा ही है, बट आप प्रैक्टिकली सोचिए क्या सब एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, बट हाँ एक वीडियो के जरिए आप सब साड़ियाँ देख सकते हैं, सबके फोटोज मंगवा के, वीडियोस देख के, वीडियो कॉल करके आप कपड़े को चेकआउट कीजिए, उसमें देख सकते हैं आराम से, हमारी टीम आपको सिंपल या फिर फोटो देखिए जो पसंद आ रहा है उसको वीडियो कॉल में देख लीजिए कि कैसी लुक आ रही है। नेक्स्ट आइटम ये देखिए अब सर, ये कपड़ा है टू टोन। हाँ ये देखिए, आप ये बताइए क्या आप देख पा रहे हैं, ये दो शेड में आ रहा है सर, एक है गुलाबी रानी, हाँ। नहीं हॉट मजेंटा कलर है दोस्तों, आपको मजेंटा कलर, और एक हरे जैसा जो मोर पंख कलर आता है ना वो वाला कलर, हाँ, दो कलर में ये ये पहनने के बाद ज्यादा चमके फील हो रहा होगा। यहाँ पर दूसरा, यहाँ दूसरा कलर है और इधर दूसरा कलर, हाँ। सो ये दो शेड की साड़ी है, इसको ये धूप छांव का कपड़ा भी कई बार बोला जाता है, धूप छांव भी बोला जाता है। ये देखिए ये है प्योर पैठन, ये प्योर पैठनी, हाँ, ये प्योर पैठनी, पैठनी के अंदर कई बार बड़ा बुट्टा भी होता है, ये छोटा बुट्टा पैठनी है। ओके नेक्स्ट है पोचम पल्ली में, पोचम पल्ली, लेकिन हमने इस पोचम पल्ली को रखा है जरी बेस के ऊपर, ये देखिए दोस्तों, दिस इज नोन एज अ पोचम पल्ली, और यही डिजाइन को साउथ, ये इतना पोर्शन को अगर हम गुजरात में दिखाएंगे ना तो इसको पटोड़ा कहेंगे, अच्छा, और यही डिजाइन मिडिल बॉडी में होती तो वो प्योर पटोड़ा हो जाती, प्योर पटोड़ा, और वही पोचम पल्ली हो जाती, लेकिन हमने थोड़ा बनारसी कॉन्सेप्ट के अंदर पोचम पल्ला पोचम पल्ली पटोड़ा डिजाइन है ना वो ऐड ऑन किए हैं। नेक्स्ट मोर का फिगर दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं साड़ी जो भी पसंद आता सिंपली इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसके बारे में, इसकी प्राइस जानना है, क्वालिटी जानना है, फैब्रिक क्या होने वाला है, वीडियो कॉल में देखना है, तो सारी सुविधा भी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। यस सर, सिंपली जो स्क्रीन पे नंबर उसे सेव कर लीजिए, उसके कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। हमारा सर वीडियो बनाने का मकसद आपको ये साड़ी या ये साड़ी दिखाना नहीं है, ऐसे सैंपल दिखा रहे हैं हमारे पास, साड़ियों के जरिए आइडिया देना है। मूवी देखने से पहले उसका ट्रेलर आप देखते हैं, ट्रेलर देख के लगता है कि हाँ हमारे काम की मूवी होगी तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। सेम ये मूवी अगर ये आपको वीडियो देख के लगता है कि भाई ये साड़ियाँ हमारी काम की, हम हमारी बिजनेस में इनको एड ऑन कर सकते हैं, इनको हम बेच सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे, वीडियो कॉल पे आपको कपड़ा दिखाएंगे। बाकी शॉप पे आना चाहते हैं तो शॉप भी दोस्तों रेलवे स्टेशन से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी, वॉकिंग डिस्टेंस है, आप चल के आ सकते हैं, हमारी टीम से आप बात करेंगे तो आपको रास्ता भी गाइड करेंगे, और अगर ऐसा एयरपोर्ट बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको लेने भी आएंगे, ये सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है। और आप अगर खुद की व्हीकल लेकर आ रहे हैं, आप सूरत से नियर बाय कहीं रहते हैं तो आप खुद की व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी भी है, क्योंकि सर आपको पता है सूरत मार्केट कितना कंजेक्टेड है, तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर हमारी क्योंकि पूरी बिल्डिंग हमारी है 7 फ्लोर की, तो पार्किंग भी हमारी ही है जी। ये देखिए बाकी दोस्तों ये सारी सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसा नहीं कि हम केवल आपको यही साड़ी दिखा रहे हैं तो यही मिलेगी, इसके अलावा बहुत सारे आइटम मिलते हैं मैम, जैसे है लहंगा है, गाउन है, साड़ियों में सिर्फ सिल्की या बनारसी साड़ियां नहीं, वर्क साड़ी जो डिजाइनर टेस्ट होता है ना, बुटीक वाला टेस्ट, बॉलीवुड स्टाइल हो गया, सीरियल वाली साड़ी हो गई, देखिए बता हम जस्ट आइडिया दे रहे हैं, एक्चुअली पीसेस आप जरूर देखिए, लेना ना लेना आपकी इच्छा, देखने के पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल एक बार कपड़ा चेकआउट कीजिए, मिनिमम 10 से 15 हज़ार का आपको ऑर्डर करना होगा, सिंगल पीस नहीं, वीडियो, हाँ वीडियो सिर्फ और सिर्फ होलसेल के लिए है, जिनको व्यापार करना है कपड़े का वही यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ये ऑर्गेंजा फैब्रिक पे है, हाँ हाँ ये ऑर्गेंजा है। मेरे व्यूअर्स से एक सवाल है, कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, मैं भी बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत फेमस हुई थी, मूवी का नाम है सीताराम, सर क्या आपने देखी? ओके दुल्कर सलमान की, दुल्कर सलमान की, दुल्कर सलमान, वो नाम नहीं पता मुझे, बट जस्ट आई वॉन्टेड टू टेल कि उसके अंदर एक कैरेक्टर है प्रिंसेस नूरजहां, हाँ। अब सर किसी भी प्रिंसेस को, राजकुमारी को दिखाने के लिए हम कौन से फैब्रिक का इस्तेमाल, लेकिन उनकी वेशभूषा कैसी होगी, बड़ा सा गाउन, प्रीमियम क्वालिटी की सारी की सारी चीजें होंगी, एक राजकुमारी को एक प्रिंसेस को इमेजिन करते हैं तो हमारी नजर में आती है एक विक्टोरिया टाइप की हैंड ग्लव्स एंड नो सादगी से भरा हुआ ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ी का इस्तेमाल किया है, एंड ट्रस्ट मी बहुत एलिगेंट लगती है, सोचिए एक रॉयल क्वीन, एक राजकुमारी को दिखाने के लिए ये साड़ी का इस्तेमाल किया है, वो ये कपड़े का इस्तेमाल किया है, सोचिए इसकी डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, और डिमांड जितनी है ना सर उतना ये प्रोडक्ट ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, जिससे आप लोकल शॉप पे जाकर पूछेंगे ऑर्गेंजा दिखाइए, वो ऑर्गेंजा के नाम पे आपको नेट दिखाएंगे, उनके पास होगा ही नहीं,
तो आपको क्या करना है, ये मैंने लाइव अभी देखा है, एक शॉप में वीडियो बनाने गया था वहाँ पर भी ऐसा हुआ था अभी। यस, सो प्लीज आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग आइटम रखनी है, ट्रेडिशनल आइटम रखनी है, बाकी क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है आपके मन में सवाल है तो हमारी टीम से बात करेंगे तो आपको हेल्प आउट करेंगे। जैसे कि नया अगर बिजनेस कर रहे हैं, नया दुकान खोल रहे हैं, तो आपको आइडिया ही नहीं कि क्या चीज़ चल रही है मार्केट में, वो सारी सुविधाएं भी, वो सारी आइडियाज भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जितनी भी क्वारी है सारी क्वारी सॉल्व हो जाएगी। ओके मैम, तो जैसे कि इतनी सारे आइटम देखती हैं, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो जैसे कि देखिए दोस्तों, इतने सारे आइटम्स हमने कुछ सैंपल आपको दिखाए हैं, देखिए आइटम की तो कोई कमी, और ये केवल सैंपलिंग एरिया है, गोडाउन एरिया हमने आपको दिखाया, एक झलक और दिखा देता हूँ गोडाउन एरिया का, बाकी केवल और केवल जो बनारसी और सिल्क साड़ी है ना उसका सैम्पलिंग एरिया है ये सारे। अगर एक डिज़ाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाली साड़ी पसंद है ना, जितनी क्वांटिटी बोलोगे उतनी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि भैया टाइम लगेगा, आपके सामने ऊपर ही गोडाउन है, ऊपर वाले फ्लोर में ले जाएंगे, वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ऐसे प्यारे प्यारे कलेक्शंस के साथ।